नमस्कार साथियों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज और फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोजाना अपने फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं, आज राइट 1 घंटा लेट हुए, यानी कि 10 बज चुके हैं। कारण ये था, थोड़ा बाहर गया हुआ था, उम्मीद ये थी कि 9:30 बजे के आसपास है घर पहुँच जाऊँगा, लेकिन पहुँचा लेट, जस्ट अभी पहुँचा ही हूँ। तो आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, कल की तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कल संडे है, छुट्टी है और सोमवार को वैसे 15 अगस्त है, तो लगभग यूँ कहूँ कि 2-3 दिन के लिए तो भी बाज़ार हैं वो हमारे बंद है। लेकिन आज बाज़ार में क्या कुछ रहा वो एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, 13, 14 और 15, यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी भारतीय खुशी खुशी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय की मैं बात करूं तो संपूर्ण विश्व में ऐसा पहला ये हुआ है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो सड़कों पे लोग उतर के इस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो कि हमारे लिए गर्व की बात भी है। देखो, बहुत से देश आज़ाद हुए हैं और बहुत से देश आने वाले समय में आज़ाद हो सकते हैं, गुलाम हो सकते हैं, वो एक मैटर अलग है, लेकिन इस कदर सेलिब्रेट करना, सड़कों पे उतर के लोगों ने तिरंगा लेके तिरंगे की यात्रा करना, अपने आप में एक अलग पहचान बनती है। और यूँ कहूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियो YouTube और Facebook पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए शेयर हुए हैं, और इसी दौरान आने वाले समय में यूँ कहूँ कि दूसरे देशों में ये परंपरा सी एक चल जाएगी आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की, ये आप देख लेना। लेकिन जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो इसमें ये है कि मोदी जी ने हर बार हमें कुछ अलग टास्क दिया है, जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हुए आ रहे हैं। रमेश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। हर बार क्या एक अलग टास्क, कभी नोटबंदी, कभी कोरोना, कभी थाली, और अब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से अभी थोड़ी दूर हैं। दूर कैसे हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अभी, और उम्मीद करूंगा कि अगर आपको भी समझ में आए कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से दूर कैसे हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से दूर इसलिए हैं कि आज वर्तमान समय में देश में महंगाई दर जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हर गरीब के बस की बात नहीं है। ठीक है, हमें जो 2 रुपये किलो वाली जो गेहूं मिल रही है उसके कारण ये मान के चलो आप, हमारा पेट गुजारा हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब ये है कि हम एक सक्षम भारत बना सकें और ऐसा भारत बनाएं जिसमें हर व्यक्ति आज़ाद हो। साथियों, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव ज़रूर मना रहे हैं लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं, हम धीरे धीरे पुनः गुलामी की ओर जा रहे हैं। डीपी मैंने भी लगाई है फेसबुक पे तिरंगे के साथ, आज़ादी का अमृत महोत्सव मैंने भी मनाया है, लेकिन सोचने का जो विषय वो है वो ये है कि क्या हम वास्तव में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने लायक हैं, या हम मना रहे हैं तो क्या हम आज़ाद भारत में हैं। देखो, वर्तमान समय की जो स्थितियां आपको बताऊं, देश के बहुत बड़े जो हमारे पूंजीपति हैं वो हमारे देश की सरकारी संस्थान को खरीद रहे हैं। देखो, इस बात से मुझे नहीं लग रहा कोई साथी कहेगा कि नहीं खरीद रहे, सारे साथियों को पता है बहुत सी चीजें हैं वो प्राइवेट हो रही हैं। अब कुछ का ये कहना होगा कि भाई हो, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ का ये कहना चाहिए, कहना है कि नहीं हो, ठीक है, उनके भी मात मान लेते हैं। देखो, हमने दोनों की बात मान ली, लेकिन जैसे भाई साहब ने कमेंट किया कि देश को 20 रुपये में झंडा खरीदने पर मजबूर कर रहा है,
ये वास्तविकता ये है, बिल्कुल सच्चाई है ये। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है, ये ज़बरदस्ती महोत्सव है। देखो अमृत महोत्सव है कि हम अपनी इच्छा से उसको सेलिब्रेट करें, और ज़बरदस्ती जो व्यक्ति 2 रुपये किलो गेहूं खरीद रहा है, यानी कि उसे 5 किलो मिल रही है गेहूं, 5 किलो के वो 10 रुपये में महीने के गेहूं खरीद रही है, जो आदमी 10 रुपये की महीने की गेहूं खा रहा है वो आदमी 20 रुपये का झंडा कैसे खरीदेगा? चलो भाई का एक बहुत बढ़िया राकेश भाई का कमेंट है कि पहले जिस विषय पे अपने आए हैं वो कर लेते हैं, फिर अपने बाकी के जो मुद्दे रहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि आज का जो था ना वो अपना काफ़ी लेट होने के कारण मैंने सोचा थोड़ा, मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव है और कल संडे है इसलिए कोई छोटी मोटी छुट्टी है, और उसके बाद सोमवार को 15 अगस्त के कारण छुट्टी है, इसलिए सोचा अभी कोई भाई जोटा लेना चाहे तो संपर्क करो भाई, सुभाष जी के पास जोटा है भाई, और लेना हो तो संपर्क कर लियो। तो मैं आज के मंडी भाव में आपको बता दूं भाई आज के, और उसके बाद अपनी जो चर्चा है वो रेगुलर स्टार्ट करेंगे अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। नोखा में आज जीरा बिका है जी 22,800 रुपये, इसबगोल बिका है 15,200 रुपये, और मेथी बिकी है 5,300 रुपये, सरसों जयपुर बिकी है जी 6,975 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक, कोटा बिकी 6,100 रुपये, 100 रुपये तेजी, बीकानेर 6,000 रुपये, नवई 6,650, अलवर 6,600, टोंक 6,630, सुमेरपुर 6,625, आगरा 7,450, 50 रुपये तेज बिकी है, बूंदी 6,400 रुपये, 100 रुपये तेज बिकी है, गंगानगर 6,100, केकरी 6,425, खेरताल 6,500 रुपये, शारदा 7,300, इंडौन 6,620 और मोरेना 6,350 और 50 रुपये तेज बिकी हैं। ये थे जी सरसों के भाव। अब आती है जी सरसों खड़ के क्या भाव है। शक्ति गर्ग ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। हिसार में बिकी है जी 1,386, कोटा में 2,630 रुपये क्विंटल के भाव, टोंक में 2,530, नवई में 2,600, बूंदी में 2,675, मोराना में 2,650, हिसार में 50 किलो के जो भाव हैं वो 1,386 रुपये। उसके बाद है अगली जो मंडी है मेरे पास है एलाहाबाद में। एलाहाबाद में सरसों 6,445, गुवार 4,300, चना 4,611, गेहूं 2,155 और मूंग 6,180 रुपये बिके हैं जी। उसके बाद है संगरिया मंडी, गेहूं 2,164, सरसों 6,595 और चना 4,495 रुपये बिके हैं। अबोर मंडी में मूंग 5,405, गुवार 4,370, चना 4,600, सरसों 6,010 रुपये बिके जी। पादुमपुर मंडी में सरसों 6,396, मेथी 5,500, चना 4,650, गुवार 4,600 रुपये। नोर मंडी की बात करूं तो गुवार बिका 4,552 रुपये, चना 4,600 रुपये और गेहूं बिके 2,185, बाजरी 2,215, मूंग 6,100 और सरसों 6,250 रुपये। विक्रम जी मैं थोड़ी चर्चा करता हूं आपसे, मैं थोड़ी मंडी भाव शेयर कर दूं फिर आपसे इसी विषय पे चर्चा करूंगा। उसके बाद अगली जो मंडी है मेरे पास रावतसर, रावतसर में चना बिके आपका 4,571 रुपये, गुवार बिके 4,516 रुपये और तारामीरा बिके 5,076 रुपये। सिरसा में आज गुवार 4,500, सरसों 6,140 रुपये। उसके बाद रायसेनगर में आज सरसों बिके जी आपकी 6,617, गेहूं 2,161 रुपये, चना 4,580, गुवार 4,445, तारामीरा 4,951 और जो 2,251। और गंगानगर की बात करूं तो चना बिके आपका जी ऊपर में आज 4,572 रुपये, गेहूं बिकी आपकी 2,200, सरसों बिकी 6,632, जो बिके 2,700 और गुवार बिके 4,500। पीली बंगा में सरसों 5,950 और गेहूं 2,196 रुपये। सादुलशेर में सरसों 6,231, गेहूं 2,160,
चना 4451 और ग्वार 4400 रुपये। सूरतगढ़ में गेहूँ 2125 और सरसों बिकी है 6161 रुपये। गढ़साणा में सरसों 6050, गेहूँ 2145 और ग्वार 4455 रुपये भी। रावड़ा में सरसों बिकी है 6270 रुपये। और मेड़ता सिटी के जो मंडी भाव है वो अजी मूंग 6000, चना 4520, सुवा 8400, सौंफ 12700, जीरा 22750, ग्वार 4550, रायडा 6640, तारामीरा 5025, इसबगोल 15451, असाड़िया 7450 और कपास 9600 रुपये। ये थे आज के मंडी भाव। आने वाले समय की तेजी मंदी के फिलहाल कोई चांसेस नहीं है, जैसे ही चांसेस होंगे आपको सूचित कर दिया जाए। अब जो भाई अपना कमेंट में जो बात पूछनी चाहे पूछ ले भाई, जो भाई ने जो बात पूछनी है वो पूछ सकते हैं भाई, मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। जिन भाइयों ने पहले कमेंट किए थे जिनका मैं नहीं पढ़ पाया, रिप्लाई नहीं दे पाया, वो भाई पुनः कमेंट कर दें भाई, और सारे भाई एक बार जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर करें, क्योंकि वर्तमान समय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उन्हीं फौजियों के बदौलत मना रहे हैं, तो उन फौजी भाइयों को एक दिल से सैल्यूट जरूर करें भाई। जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं सारे भाई से निवेदन है भाई, एक जय जवान जय किसान का सैल्यूट जरूर करें। कपास के भाव देखो, भाव अच्छे भाव रहने की संभावना है, बाकी है मौसम पे निर्भर। मौसम कैसा रहेगा उस विषय पे निर्भर करता है भाई। अगर मौसम शानदार और बेहतरीन रहेगा तो भाव भी अच्छे रहेंगे, अगर मौसम खराब रहा, फसलें खराब रहीं, तो जाहिर सी बात है फिर भाव भी डाउन रहेंगे। मूंगफली के कहीं सौदे नहीं हो रहे भाई साहब, इसलिए मूँगफली के कोई भाव नहीं है। सरसों में तेजी मंदी आज ना ही तो तेजी है ना ही मंदी है, कुछ एक मंडियाँ हैं 100-150 रुपये तेज रही हैं, बाकी लगभग बराबर रही हैं। मूँगफली में तेजी और मंदा बताइए भाई। मूँगफली में शक्ति भाई मेरे विचार से कोई तेजी के चांसेस तो है नहीं और ना ही फिलहाल मंदी के, क्योंकि अभी मूँगफली का देखो सीजन चलेगा थोड़े दिनों बाद, जब सर्दियाँ आ जाएगा ना तब सीजन चलेगा मूँगफली, यानी कि मूँगफली की गचक। आत्मा राम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। तो उस समय आप ये मान के चलो मूंगफली के भाव आने के चांसेस हैं। जिस समय बाजार में मूंगफली की गोटे चालू हो जाएंगे, सर्दियों में मूंगफली खाने का सीजन शुरू हो जाएगा, उस समय मूंगफली में तेजी आने की संभावना है। गवार में कोई तेजी मंदी की फिलहाल सूचना नहीं है। केकड़ी मंडी सरसों के पास जय जवान जय किसान, वहाँ मेरे विचार से सौदे नहीं हो रहे हैं, अगर सौदे होते तो भाव मेरे पास आए होते तो मैं आपको ज़रूर बताता, मतलब मेरे पास भाव नहीं है। बाहर से कब आए भाई? बाहर से आए हुए 2-3 दिन हो गए, वैसे कल ही आया हूँ, क्योंकि कल परसों संगरूर था, पंजाब में एक और चक्कर लगा के आया, पहले बेंगलोर उधर तो गया था महाराष्ट्र केरला की साइड, उसके बाद फिर वापस हरियाणा और फिर पंजाब, अब घर पे हूँ। पुराना माल का क्या रहेगा? पुराने माल का ज़्यादा मंदा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मंदा रहेगा, ऐसी बात नहीं, नए माल से थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि उसकी फिनिशिंग शाइनिंग चमक वो कम हो गई। इसलिए कवार में सिंवर साहब फिलहाल जो कोई तेजी मंदी के चांसेस है नहीं मेरे विचार से। तो अगर कोई ऐसी सूचना या ऐसी कोई स्थिति बनती है जिसमें आपको मुझे यूँ लगे कि तेजी मंदी बन सकती है तो आपको ज़रूर सूचित करूँगा। अच्छा, और कोई भाई कोई कमेंट करना चाहे भाई, बात पूछनी चाहे तो पूछ सकते हो भाइयों। चरखी दादरी सरसों का भाव बताओ भाई। चरखी दादरी सरसों के भाव बड़े भाई बता देता हूँ, चरखी दादरी से लालन की चरखी दादरी के भाव शायद मैंने बताए होंगे, नहीं बताए तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। चरखी दादरी के भाव भाई हैं 6600 रुपये। दिल्ली क्या भाव चने का? चने का दिल्ली के भाव नहीं भाई मेरे पास, चिल्ली के चने के भाव नहीं है, चने में तेजी आएगी संभावना तो नहीं है तेजी आने की। अगर MSP दाम पे बिक जाए तो हम तो खुशियाँ मनाएंगे भाई उसी विषय पे भी। कैसी रही यात्रा? खूब रही भाई, बढ़िया रही। रायडे में क्या विचार है? वो जो सरसों का विचार है वही रायडे का, फर्क कुछ भी नहीं है।
चले भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर लें, फिर अपने वीडियो को एंडिंग करेंगे, क्योंकि जो कमेंट है मैं उनको रिप्लाई दे देता हूँ। अगर आपके कमेंट ही नहीं है फिर लाइव आने का, लाइव रहने का कोई मतलब नहीं है। मेरी जो बातें थी वो मैंने लगभग कर ली हैं। जय जवान जय किसान। चने में कब तक तेजी होगा? शक्ति जी, चने में तेजी के चांसेस नहीं है, और चना ख़राब होने से पहले बेच दें। अगर चने में डंकी लग गई तो फिर बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते।